चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन वन अप्लाइज टू, टू अप्लाइज वन। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो लीनियर मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे वी डॉट वी लिखा जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वी डॉट वी एक स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा लीनियर मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक गन है, उसमें बुलेट है। ठीक है, बुलेट का मास स्मॉल एम, गन का मास कैपिटल एम, तो दोनों का मोमेंटम जीरो क्योंकि रेस्ट में है। जैसे फायर किया जाता है गन पाउडर, दोनों पे फोर्स लगाता है, बुलेट पे आगे की तरफ, बुलेट आगे चली जाती है स्मॉल वी वेलोसिटी से, गन पीछे जाती है कैपिटल वी वेलोसिटी से, तो फायर करने से पहले भी मोमेंटम जीरो था, फायर करने के बाद भी मोमेंटम जीरो है। ठीक है, लेकिन क्या बुलेट में वेलोसिटी है? आंसर है, बुलेट में वेलोसिटी है और गन में भी वेलोसिटी है। तो यहां पर मोमेंटम तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी है, यानी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर पहली सिचुएशन देखा जाए तो मोमेंटम जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो क्योंकि दोनों रेस्ट पे है, लेकिन जब गन पाउडर ने प्रेशर मतलब फोर्स लगाया दोनों पे तो दोनों ही मोमेंटम में आ गए, यानी दोनों की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, लेकिन मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। मोमेंटम जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। जैसे इनिशियल और फाइनल, फायर करने से पहले मोमेंटम जीरो था, फायर करने के बाद भी मोमेंटम जीरो है, नेट मोमेंटम पूरे सिस्टम का। तो क्या बुलेट चल नहीं रही है? आंसर चल रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है लेकिन मोमेंटम अभी भी जीरो है फायर करने के बाद भी पूरे सिस्टम का। तो लीनियर मोमेंटम जीरो है, ठीक है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि पहली कंडीशन, ठीक है, जो है वो अप्लाई नहीं कर रही है सेकंड कंडीशन पे। मोमेंटम जीरो है फिर भी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ? वन डज नॉट अप्लाई ऑन टू। हाँ, वन डज नॉट, ये तो बी और डी दोनों पहली लाइन तो दोनों की सेम है। ठीक है, और टू डज नॉट अप्लाई ऑन वन, नहीं टू डज नॉट अप्लाई वन नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब मोमेंटम जीरो होना है ये वाला, बट टू अप्लाईज ऑन वन, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो मोमेंटम भी उसका जीरो होगा सिस्टम का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है, दोनों को आप जोड़ोगे। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव तो इसका होगा नहीं, मोमेंटम को तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।